ये देखें जी माशाल्लाह हमारे पास ये दही बड़े बन के दोस्तों कैसे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे अल्लाह ताला की रहमत करम से। दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ मार्केट और ग्रॉसरी का सामान लेने हैं। आज 1 मई हो चुकी है और जो भी किचन का सामान होता है मैं मंथ के स्टार्ट में ही ले आता हूँ, तो लिस्ट मैंने बना ली है और बेगम ने मुझे लिस्ट दे दी है और अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ पर और जल्दी से वहाँ हम लोग पहुँचते हैं। और कुछ और भी दो चार काम है मुझे, वो भी मैं कर लूँगा, तो चलें जी वहाँ पे हम लोग चलते हैं। स्वीपर आएगा, उसको ये सफाई करवाएंगे जी। ये वाले भी मेरे ख्याल में आ चुके हैं। हमारा शेरा रेडी है, शेरा ने हमारा जी हर दफ़ा साथ दिया है और इसको भी मैं वक्तन वक्तन साफ़ करते रहता हूँ और इसका भी टाइम निकाल के इसकी भी सर्विस करवाते हैं जी। आज तो ये अभी इसके लिए है ऑयल इसका चेंज करवाते हैं, क्योंकि ऑयल जो है काफ़ी अरसा हो गया है मैंने चेंज नहीं करवाया, यानी कि 1700-1800 किलोमीटर हमने चला लिया है, तो अब इसको चेंज करवाते हैं। ऑयल मैं कहाँ से तब्दील करवाता हूँ, ये मेन मार्केट है जापान ऑटोस, ये शॉप है, यहाँ से मैं तब्दील करवाता हूँ। यहाँ पर आपको टायर और हेलमेट और हर चीज़ आपको मिल जाती है। तो प्यारे भाई ये तब्दील कर दो यार। ये देखें जी, ये इसका पुराना ऑयल निकल रहा है। अभी भी इसकी कंडीशन ठीक है ना ऑयल की? नहीं, पूरा हो गया है। मैकेनिक के पास आए हूँ और मुझे ठीक मिल गया था टाइम से, तो इसके अभी मैं करवा रहा हूँ ट्यूनिंग और ये ट्यूनिंग करते हैं, बड़ी अच्छी ट्यूनिंग करते हैं, इनसे भी मैं ट्यूनिंग करवा रहा हूँ ताकि जो मोटरसाइकिल में जो भी छोटे मोटे मसले होते हैं वो टाइम से ठीक हो जाए, ताकि जब आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो कोई भी इसमें प्रॉब्लम ना हो बाद में आपको, तो इसके अभी हम ट्यूनिंग करवाते हैं और फिर उसके बाद हम बाकी काम करते हैं। दोस्तों ये इसका फ़िल्टर भी ख़राब हो गया है, अब ये फ़िल्टर भी नया हमें तब्दील करवाना पड़ेगा, तो ये अभी फ़िल्टर लिया है ये भी साथ तब्दील करवा लेते हैं जी। और ये फ़िल्टर जेन्युइन है यामाहा का, ये इसकी डेट वगैरह लिखी हुई है। दोस्तों अभी लाजवाब दही भले खाते हैं और ये हमारे प्यारे भाई कैसे हो, सब खैरियत यार? एक दही बड़े की प्लेट बना दो ज़रा VIP करके। ये जी माशाल्लाह इनका बड़ा VIP स्टॉल है और कमाल के इनके दही बड़े हैं जी, बिरयानी भी इनके पास होती है माशाल्लाह। ये इनका लेबल लगा हुआ है और बिल्कुल मोबाइल प्लाजा के सामने ही है। ये देखें जी माशाल्लाह हमारे पास ये दही बड़े बन के आ गए, क्या बात है दही बड़े, कमाल के दही बड़े जी। दोस्तों इस वक्त मैं मॉल के अंदर आया हूँ, जनरल स्टोर के अंदर, और मुझे चाहिए घर का सामान और अभी मैं देता हूँ भाई को। यार ये सामान दे देना और एक काम करना, चावल पिछले दफ़ा जो दिए थे ना वो चावल सही नहीं थे कायनात वाले, वो चावल ठीक देना, ठीक है? ये जी हम लोग आए हुए हैं। यार आपकी जनरल स्टोर का क्या नाम है? ठीक है, बशीर जनरल स्टोर है, बिल्कुल मोबाइल प्लाजा के साथ है, यहाँ आके आप लोग यहाँ से चीज़ें डिस्काउंट के साथ परचेज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा बंदा है और बहुत ही नाइस बंदा है, जब आप आएँ इसको आपने पर्चे देने हैं, ये आपको अच्छे वाले चीज़ें निकाल के देगा। वैसे तो खैर इनके स्टोर में हर चीज़ अच्छी होती है डिस्काउंट के साथ, फिर भी ये आपके पास स्पेशल आपको अच्छी केयर आपको देगा, पक्की बात है ना?
ना दिया ना तो बेटा बच्चा हो जाने, ठीक है? तो ये बहुत अच्छा लड़का है। ये हमारा हो गया जी सामान, अंडे भी हो गए, ऑयल, सर्फ, लेमन मैक्स, और ये चावल अच्छे वाला डाल है ना, चावल अच्छे वाला। हाँ बस यार ये देख लेना, वरना घर से ना मुझे मार पड़ेगी। हाँ बस ये ज़रा इस चीज़ का ख्याल रख लेना। ये देखो जी, ये हमारा हो गया सामान कंप्लीट, अभी रखते हैं बाइक पे। ओए होए होए ओए होए दोस्तों, बाइक की ट्यूनिंग हो गई है और बाइक को ये था शीशे वाला, ये मैंने टूट गया था, ये मैंने उतरवा दिया है और अब इसकी लुक थोड़ी सी कुछ ऐसे नज़र आ रही है जी। और ऑयल भी चेंज मैंने करवा दिया है, अब इसकी परफॉर्मेंस पहले से बेहतर है। सर्विस पंप के ऊपर बाइक को थोड़ा सा सर्विस करवाते हैं, इसको अच्छे तरीके से वॉश करवाते हैं। महीना दो महीने हो गए हैं इसको मैंने साफ़ नहीं किया था, अभी इसको VIP तरीके से साफ़ करवाते हैं। थोड़े ज़रा चमका दे इसको, ठीक है? शाबाश दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह घर में आ गया हूँ और बाइक की सर्विस भी करवा ली, ट्यूनिंग भी करवा ली, और जनरल स्टोर से मैंने घर का जो किचन का सामान था वो भी ले लिया, और छोटे मोटे काम थे वो भी मैंने कर लिए। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से घर में पहुँच गया हूँ। तकरीबन मुझे 2-1 घंटे लग गए थे और दोपहर का टाइम था, गर्मी भी थी तो, और अल्हम्दुलिल्लाह हर काम खैर खैरियत से हो गए। और माशाल्लाह बाइक की ज़रा अच्छी अच्छी खासी 2 से 2500 रुपये मेरा ख़र्चा हुआ है, लेकिन बाइक VIP बन गया है। तो बाइक की थोड़ी सी डेंटिंग बेंटिंग हो तो बाइक अच्छा रहता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, घंटी को जरूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास है। इसी के साथ ज़ुबैर शाह को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान।